हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम रिया निटिंग क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए धोती स्टाइल में पजामा लेकर आई हूँ। देखिए कितना खुल्ला डुल्ला बनाया है ये मैंने, और यहाँ पर इसके फंदे कम करने से इसकी ये प्लेट्स आई है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। और इसको मैंने स्टेप वाइज बताया है कि इसको कैसे बनाना है, तो आप इसको अगर स्टेप वाइज देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इसको कैसे बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने धोती का अपना एक पोर्शन बना लिया है। इसमें मैंने 51 स्टिचेस डाले हैं और 1 2 3 4 5 6 12 रोज बना के इसको ये कंप्लीट कर लिया है। और ये जो इसका डिजाइन है, ये डिजाइन नंबर 40 है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यही डिजाइन मैंने कुर्ते में डाला है, यही मैं इसमें धोती में डाल रही हूँ। और इसमें हम और स्टिचेस इसलिए लेते हैं क्योंकि जो इसका मिडल वाला स्टिच होता है उसके दोनों साइड हमें जाली डालनी है। ये देखिए, जैसे जो 51 फंदे हैं तो 26वें फंदे पे, मतलब 25 फंदे इधर 25 फंदे इधर, तो 26वें फंदे पे मैंने देखो दोनों साइड जाली डाली है, जिससे ये इसकी शेप ऐसे आती है। ये देखो, तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पे मैंने 51 स्टिचेस डाल दिए हैं, तो स्टार्टिंग में इसका 6 फंदों का हमने बॉर्डर बनाना है। दोनों साइड में 6-6 फंदों का बॉर्डर बनाएंगे, 4 5 6। अब टोटल हमें यहां तक 25 फंदे बुन लेने हैं, तो बाकी के फंदे जो हैं फिरोजी कलर की, उससे उनसे बनाती हूं मैं। तो ये 25 फंदे हमने बुन लिए। अब इस 26वें फंदे पे हमने दोनों साइड जाली डालनी है, तो पहले फंदा आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे ऐसे, और फिर एक फंदा आगे करके फिर 25 फंदे बुनेंगे। इससे क्या है, हमारे दो जालियां पड़ जाएंगी, इस फंदे के आसपास दो फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। और उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोई फंदा नहीं बढ़ाना, सिंपल जो डिजाइन की रो है वो डालनी है। अब जैसे मैं ये डिजाइन की फर्स्ट रो पे हूं तो सीधा बुनना है इसमें, तो पूरा हम सीधा बुनेंगे, और उसमें डिजाइन की सेकंड रो में भी सीधा ही बुनना है, तो रॉन्ग साइड में हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ हम इसको राइट साइड में फंदे बढ़ाएंगे। अब हम इसके आखिर में आ गए। आखिर में जैसे हमने स्टार्टिंग में व्हाइट की पट्टी डाली थी, ऐसे ही आखिर में भी, अब यहां पे हमने अलग थ्रेड ज्वाइन किया है, तो पट्टी डालेंगे 6 फंदों की। स्टार्टिंग में भी 6 फंदों की पट्टी डाली थी और आखिर में भी 6 फंदों की पट्टी डालेंगे, और रॉन्ग साइड में भी इन फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे, तो इसकी रॉन्ग साइड में इनके 6 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब इसमें जो है, जब हम दूसरा थ्रेड लगाते हैं तो इसमें ऐसे इसका क्रॉस बना देते हैं, क्योंकि हमें तो खैर सीधा बनाना है, तो हम धागे को पीछे ले जाके ऐसे क्रॉस बना देते हैं, और फिर सारे ये हमारी सेकंड रो जो है पूरी सीधी बुननी है, तो इसमें 25 फंदे इसके कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये जहां जिस फंदे पे 26वें फंदे पे हमने दोनों साइड जाली डाली थी, अब वो फंदा आ गया, तो इसको भी एज इट इज सीधा, जैसे कि हम सलाई में बुन रहे हैं वैसे ही इसको भी तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, जाली पड़ जाएगी ना, और बाकी पूरी सलाई को कोने में जो है दोनों साइड बॉर्डर बनाएंगे और बीच में डिजाइन डालते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये इस फंदे के आसपास ये ऐसे हमारी एक जाली बन गई है, तो इस तरह ही हमें सारा बुनते हुए जाना है। और जैसे ये एक जाली बनी है, ऐसे हमें 27 जाली बनानी है, तो ये जैसे कि मैंने इसमें बनाई है पूरी, ये 27 जालियां हैं, तो इसको कंप्लीट करके मैं आपको दिखा। ये देखिए, 27 जालियां बनाने के बाद मैंने इसको बिल्कुल सिंपल बुन लिया। थोड़ा सा 27 जाली तक हमने फंदों को बढ़ाया है,
और उसके बाद फंदे बढ़ाए नहीं, इसको बिल्कुल सिंपल डिजाइन डाल के बुन लिया बिना बढ़ाए। तो अगर हमारा ये नाप नाप की बात आती है तो ये हमारी है 10 इंच, ये देखिए 10 इंच इसकी लंबाई है। और अगर रोज की बात है तो रोज इसकी है 116 रोज हमने बना दी है। अब हम इसकी आसन की कटिंग करेंगे और दोनों पोर्शन को इकट्ठा बनाएंगे। तो आसन की अब ये हमारी राइट साइड है, तो दोनों पोर्शन को हमने इकट्ठा जोड़ना है और आसन की कटिंग करनी है। तो इसके लिए हम 3 फंदे बढ़ाएंगे, तो एक बुन के इसको फिर इसके ऊपर ही रख देंगे, फिर आगे इसको बुन लेंगे, 2 फिर इसको ऐसे बुन लेंगे, और ये 3। तो ये हमारे 3 फंदे बढ़ गए। तो अब हम इन 3 फंदों को बुन लेते हैं और इस पूरी सिलाई को सीधा सीधा, ये हमारा राइट साइड है, सीधा बुन लेते हैं। ये 3 फंदे हमने यहां बढ़ाने के बाद, ये देखिए 3 फंदे मैंने इस तरफ बढ़ा लिए और पूरी सिलाई को सीधा बुन लिया। अब ऐसे ही दूसरे पोर्शन में यहां हम 6 फंदे बढ़ाएंगे। 6 किस लिए बढ़ाएंगे, क्योंकि 3 हम इस साइड के बढ़ाएंगे और 3 इस साइड के बढ़ाएंगे। तो पहले हम 6 फंदे बढ़ा लेते हैं, फिर इनको आपस में जोड़ेंगे। एक ये आगे रखते जाएंगे, 2 ऐसे आगे रखते जाएंगे, 6 बनाने हमने, 3 4 5 और ये 6। ये 6 फंदे बनाने के बाद अब हम इस सलाई से इसको आगे बुनेंगे और जिस धागे से हम बना रहे हैं वही धागा आगे चलेगा। इससे बना रहे हैं ना, इससे पूरी सलाई को हम सीधा बनाएंगे। तो इस पूरी सलाई को सीधा बुन लेना है और जो इसके पीछे के फंदे हैं 3 जो हमें बढ़ाने हैं वो हम रॉन्ग साइड में बढ़ाएंगे, क्योंकि पीछे की तरफ मैं फंदे नहीं बढ़ाती हूं, मैं हमेशा उसको रॉन्ग साइड में बढ़ाती हूं। ये देखिए इसकी सीधी साइड हमने कंप्लीट कर ली है और जो यहां के 3 फंदे बढ़ाने थे वो अब हम उल्टी साइड बढ़ाएंगे। इसका ये जो व्हाइट पट्टी है मैंने आसन की कटिंग से 4 सलाई पहले, मतलब के 4 सलाई जब आसन की कटिंग शुरू होने वाली थी उससे 4 सलाई बुनने के बाद ये हमने व्हाइट पट्टी खत्म कर दी है, क्योंकि फिर मेरे को यहां पे फंदे बढ़ाने थे तो व्हाइट नहीं लगाना था, इसलिए व्हाइट पहले ही खत्म कर दी थी, उसके बाद 4 सलाई बनाई थी। अब हम इसकी रॉन्ग साइड में है, तो रॉन्ग साइड में भी इसके 3 फंदे हमने बढ़ाने हैं, तो वही सेम प्रोसेस से 3 फंदे हम इसके बढ़ा लेंगे। ये मैंने बड़ी सिलाई ली है जिससे कि इसके फंदे जो है आराम से आ सके इसके ऊपर सारे इकट्ठे। तो 1 2 इसको आगे रख लेंगे और फिर इसी को ही बुन लेंगे, 3 ऐसे। ये 3 फंदे हमारे बढ़ गए और अब इस पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। अब हम ना ये डिजाइन नहीं डालेंगे, सीधी तरफ सीधा और उल्टी तरफ उल्टा करके इसको हमें थोड़ा सा बुन लेती हूं। तो ये थोड़ा सा बुनने के बाद मैं आपको दिखाती हूं कि मैंने ये कितना बुना है, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा, थोड़ा सा इसको बनाने के बाद दिखा। ये देखिए हमने ये 3 इंच तक बना लिया है,
और इसको अब हम फंदों को घटाना शुरू करेंगे। तो फंदों को अब हमें ये 220 फंदे हैं, 105 हमारे फंदे थे, फिर 6 बढ़ाए 111, 111, 111, तो ये 222 फंदे हैं हमारे पास। तो अब हमें इन्हें फंदों को कम करना है। तो इस फंदों को कम करने के लिए हर दो फंदे के बाद हम फंदे को घटाएंगे। दो फंदे बुन लेंगे और तीसरे चौथे फंदे में हम घटाएंगे, सिमेट्रिकल वे में घटाएंगे जिससे कि एक सही लगे। ये पूरी सिलाई हम दो फंदे बुन के तीसरा और चौथे फंदे में घटाएंगे। ये देखिए ये फंदे हमने घटा दिए बराबर बराबर डिस्टेंस पे। अब इसको हमने सीधा उल्टा बनाना है, बिना कोई फंदे घटाए, बिना कोई फंदे बढ़ाए। ये देखिए मैंने ये 8 इंच तक बना लिया है और इसमें मैंने 4 सलाई जो है ये उल्टे उल्टे की बनाई है। अब इसके बाद हमें इसमें जाली बनानी है जिसमें कि हम लास्टिक डालेंगे, या तो इसको फोल्ड करके लास्टिक डाली जा सकती है पर मैं जाली प्रिफर करती हूँ। तो इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है, दो फंदे सीधे बना के एक फंदा आगे डाल के दो का एक करना है। तो फंदे तो दो ही रहेंगे, एक आगे करा और दो का एक करा, पर इससे एक जाली बन जाती है। दो या तीन फंदे रख सकते हैं आप, उनके बीच में आप गैप करके जाली बना सकते हैं, ऐसे करके ये जाली बन जाती है। फिर दो या तीन फंदे जितने भी रखने हैं सिमेट्रिकल रखेंगे और ये दो का एक करेंगे ऐसे। इस तरह से हम ये जाली बनाते जा रहे हैं, ये पूरी सिलाई इसको इसी तरह से कंप्लीट करनी है। अब ये इसके हम उल्टी सिलाई में आ गए, उल्टी सिलाई को हमने पूरा उल्टा उल्टा बुनना है। जो ये एक फंदा ये था इससे ये जाली बनेगी और पूरी सिलाई को हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। इससे ये हमारी जाली बनती जाएगी। पहले मैंने इसकी आसन की सिलाई करी है और उसके बाद मैंने फिर इसको सारे को सिल लिया है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने जो फंदे घटाए थे उससे ये प्लेट्स आ रही है, इससे कितनी सुंदर शेप आ गई है इसकी। तो और यहाँ पे मैंने जो जाली डाली थी उसमें मैंने ये लास्टिक डाल दी, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।